हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकिंग कॉर्नर। आई होप आप सब ठीक हों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी। तो चलिए देखते हैं हमें उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो हमने 300 ग्राम दाल ली है और उसमें हमने 100 ग्राम राजमा डाले हैं और रात भर इसको भिगो के रखी है। अच्छी तरह से इसको धो लिया था पहले, फिर इसको भिगो के अच्छी तरह से रख दिया था। इसमें नमक और हल्की सी हल्दी डाल के पूरी रात के लिए रख दिया। ठीक है, उठ के इसको उबाला है। 10 से 12 सीटियां दिलाई हैं इसकी। 10 से 12 हाई फ्लेम पे सीटी दिलवाई है हमने। हाँ, इसकी फिर उसके बाद ये देखिए दाल हमारी उबल चुकी है। ओके, एक बार दिखा दीजिए इसको करके। ऐसे देखिए हमारे राजमा अच्छे से गल चुके हैं, तो हमारी दाल जो है प्रॉपर कुक हो चुकी है। तो चलिए अब हमें इसके बाद क्या करना है देखते हैं। अब इसके लिए तड़का बनाते हैं। चलिए, तो हमारे तड़के के लिए हमने थोड़ी सी अदरक ली है। 10 से 12 कलियां हमने लहसुन के लिए हैं। हमें अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लेना है। हमने 3 मीडियम प्याज लिए हैं और 4 से 5 टमाटर लिए हैं। हमें इन दोनों को ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में। और 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो चलिए करते हैं। कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने 1 करछी तेल डाला है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो देखिए हमारा जो लहसुन है अच्छे से कलर चेंज हो चुका है इसका। अब हम इसमें हमारा जो हमने मसाला पीसा था वो डालेंगे। हमने प्याज को ग्राइंड किया था, हमने वो डाल दिया। अभी हमने टमाटर नहीं डाले हैं, पहले हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। देखिए प्याज हमारे चिपकने शुरू हो रहे हैं, इसलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि प्याज ना चिपके। बीच बीच में हल्का हल्का पानी डालते रहिए जिससे कि प्याज बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और हमारे प्याज ब्राउन भी हो जाएंगे। प्याज के साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे। हमने टमाटर के साथ ही अदरक भी डाल दी है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें मसाले को अच्छी तरह से भुनना है। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं हमें और क्या क्या चाहिए। 2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हम लाल मिर्च कम ही रखेंगे क्योंकि 2 हरी मिर्चें भी डाली थी, इसलिए हरी लाल मिर्च हम कम रखेंगे। हमने कश्मीरी मिर्च भी डाली है 1/2 चम्मच, 5 जितनी हल्दी। ओके, कश्मीरी मिर्च। मसाला तैयार करेंगे। अब मसाला तैयार है, इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे, 5 मिनट इसको भुनेंगे और हल्का हल्का बीच में पानी डाल देंगे क्योंकि नहीं मसाला अब लग रहा है। हल्का सा पानी डालेंगे और मसाला अच्छी तरह से भुनेंगे। चम्मच अब हींग डालेंगे जिससे कि दाल का टेस्ट अच्छा आए। हमने 1/2 चम्मच डाली है। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें दाल डालेंगे।
अब हमने दाल डाल दी है और उबाल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। हमने 1 लीटर पानी डाला था हमारी दाल को बॉईल करने के लिए, तो हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल को बॉईल होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, आधी चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया है इसमें। एक करछी भर के अब हम इसमें 1 करछी क्रीम डालेंगे। और डाल देंगे बीच में और अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब क्रीम डाल के अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे और बॉयलर तक तैयार करेंगे। देखिए हमारी दाल का कलर भी चेंज हो गया क्रीम डालने से, क्रीमी क्रीमी दाल बन गई हमारी। हमें 5 मिनट के लिए अपनी दाल को और पकाना है, उसके बाद हमारी दाल बन के रेडी है। आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है बनके तैयार है। अब हम आइए इसे सर्व करते हैं। हमने इसे हरे धनिया के साथ सर्व किया है, तो आप चाहें तो इसे चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या नान के साथ, या रोटी के साथ। हम तो इसको चावल के साथ इंजॉय करने वाले हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। हमारी ऐसी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको हमारी नई अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सी रेसिपी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करने की।